सो है व्हाट्स अप एवरीबॉडी, दिस इज योर सिराज रफी एक और नई वीडियो के साथ। वेलकम माय डूब चैनल सैजू व्लॉग। तो गाइस यार, 7 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो गाइस आज काफ़ी डिमांड, बहुत ज़्यादा डिमांड, और पिछला जो सीजन था काफ़ी बढ़िया गया था। तो ये वीडियो आप लोग देख रहे होंगे, थंबनेल पे देखा आप लोगों ने कि मैं पतंग की वीडियो बनाने आया हूँ। तो पतंग के सबसे बड़े गोदाम में लेके आया हूँ। एक्चुअली मैं यार, हमने बहुत पहले से बोल के रखा था, बट ये गोदाम खाली हो चुका है। फिर भी जो भी पतंग वगैरह बन रही है, पतंग बनती हुई भी दिखाएंगे, उसकी प्राइस भी बताएंगे, और यहाँ पे जो हमारे आज़म भाई हैं उनसे भी कॉन्टेक्ट करवाएंगे, और आप लोग कॉल करके बात कर सकते हो, ऑल ओवर इंडिया पतंग की डिलीवरी भी मंगवा सकते हो। कितने पीस मंगवा पाओगे, क्या करना होगा, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो के अंदर बने रहना। हो भैया 1000 से ज़्यादा लाइक चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो और बना देंगे, ठीक है। और मुंबई जा रहा हूँ, मुंबई का ब्लॉग बहुत जल्दी आने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस फिलहाल यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, पतंग यहाँ से अंदर से बन के यहाँ रेडी होती है, और ये सब माल बाहर जाता है डिलीवरी के लिए। तो अभी मैं आपको सीधा अंदर लेके चलता हूँ, और यहाँ पे बताऊँगा आपको कि डेली कितनी पतंग बनती है, क्या प्राइस में बनती है, सब कुछ। तो देखो यार, यहाँ पे देखो अभी काम चालू है। यहाँ पे अभी पतंग के ऊपर जो स्टिकर लगता है वो लग रहा है, यहाँ पे टड्डा कमान लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बड़ी पतंग बन रही है, और ये देखो, ये पतंग देखो, बड़ी पतंग है। तो मेरे साथ है सिबू। कैसा है भाई सिबू? सिबू का कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे जितनी भी पतंग आपको अगर परचेस करनी है, पतंग ऑल ओवर इंडिया मंगवानी है, तो सिबू ही आपको कॉन्टैक्ट करेगा। मतलब आप सिबू को कॉन्टैक्ट करोगे। एक चीज बता दो, अगर आप लोग को पतंग मंगवानी है तो डिलीवरी चार्ज आपका रहेगा, ठीक है, आप लोगों का रहेगा, और सिबू सब कुछ आपको जानकारी दे देगा। उससे पहले मैं आपको मिलाना चाहूंगा यहाँ के जो ओनर है, हमारे आजम भाई, काफी सालों से यहाँ पे पतंग बना रहे हैं, और मैं बात करूंगा उनसे और देखते हैं, जानकारी लेंगे, फिर हमारे आजम भाई खुद बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या चल रहा है। और आजम भाई कैसे हो? बढ़िया। तो हमारे आजम भाई हैं ये, और इनके पीछे पतंग देख सकते हो, कितने तवे की पतंग है? ढाई तवा पतंग है। देखो हम लोग ने पिछली वीडियो के अंदर 12 तवा की पतंग हम लोग ने उड़ाई थी, वो तार से बांध के, तो इस सीजन में भी पक्का उड़ाएंगे। तो आजम भाई कब से काम हो रहा है आपका पतंग का? ये हमारे बड़े वाले भाई सोनू भाई करते थे। अच्छा। और तकरीबन 20 साल हो गए काम। 20 साल हो गए, और अभी ये पूरा आप हैंडल कर रहे हो जी। तो एक दिन में कितनी पतंग बनाते हैं आप यहाँ पे? 2 से 3 हजार पतंग बन जाती है एक दिन में। 2 से 3 हजार पतंग जी। और अभी तक कहाँ पे माल जा रहा है आपका? ये सिर्फ अभी अहमदाबाद में ही। सिर्फ अहमदाबाद में ही? ओके। तो अगर कोई आउट ऑफ अहमदाबाद मंगाना चाहे तो मंगा सकते है? मंगा सकता है। तो थोड़ा बताओ कि कहाँ से पतंग बन रही है, कैसे बन रही है? पतंग यहाँ से स्टार्ट होती है, कागज से जी, यहाँ से कटती है, फिर ये डोरी लगने भारे जाती है। हाँ। डोरी लग के फिर ठड्डों में जाती है, ठड्डा लगता है बीच का। हाँ। फिर कमान वो लगा दिए, कमान लगेगी, ये टिप्पे लगाएगा। हाँ। तो उधर पत्ते लगेंगे, पतंग तैयार। ओके, तो चलो साथ में चलो आ जाओ, देखते हैं। सबसे पहले ये नॉर्मल कागज रहता है, इसके ऊपर प्रिंटिंग करवाना हो तो अपने हिसाब से आप लोग प्रिंटिंग, मतलब ये अपने हिसाब से डिजाइन बनाते हैं, और फिर उसके बाद कहाँ पे जाता है? टड्डे में, वो डोरी में जाता है, डोरी में लगती है, डोरी बाहर होता है, बाहर है डोरी। उसके बाद? उसके बाद में ठड्डे भारे लगते हैं। ठड्डे देखो, ये ठड्डे लग रहे हैं ये बीच, ठीक है, ये जो बीच में लग रहे हैं ना, ये सब भारे यहाँ पे लग रहे हैं। तो उसके बाद में ये पतंग कमान लग रही है, यहाँ पे कमान लग रही है, और ये चीज वहाँ पर टिप्पे लगेंगे, यहाँ पत्ते लगेंगे, पतंग तैयार। पतंग तैयार। ओके, तो आजम भाई कुछ पतंग उठाओ और हमको उसका प्राइस बताओ कि कहाँ से, अभी पिछले जो सीजन था वहाँ से प्राइस का अप हुआ है कि डाउन हुआ है? अभी तो सीजन कागज कमान ठड्डा सब महंगा है, उस हिसाब से अभी तो भाव ज्यादा है। ओके, तो कितने रुपए से स्टार्ट है अपने यहाँ पे होलसेल में? ना होलसेल में 4 रुपए से स्टार्ट है। 4 रुपए से स्टार्ट है जी। और ये 14 रुपए में है, और वो पतंग 60 रुपए में है, वो ढाई तवा। हाँ, 60 रुपए एक नंग, 60 रुपए का, और ये एक नंग 14 रुपए का। तो मिनिमम इंसान कितने नंग ले सकता है आपसे? मिनिमम हमारे पास से तकरीबन 250 पतंग ले सकता है, 250 पतंग मंगवा सकता है, ये वाली। ओके, और ये साइज आ जाता है अर्दिया, ये 500 पतंग, ये छोटा वाला। हाँ, ये कम से कम 500 पतंग मंगाएगा तो आप भिजवा देंगे जी, जी। ओके, तो सारा काम भिजवाने का रहेगा हमारे सिबू भाई का। तो फिलहाल पतंग ये वाला, इसका प्राइस बताओ ना उठा के। ये 14 रुपए का है। 14 रुपए का एक नंग, अभी फिलहाल ये 14 वाला ही बन रहा है क्या जी? ओके, वो 6 रुपए का है, वो दिखा दो एक बार, 6 रुपए वाला, वो भी देख लेते हैं, 6 वाला देख लेते हैं पहले, 6 रुपए का क्या है, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो, इसको कौन सा पतंग बोलते हैं? इसको पोनिया रॉकेट बोलते हैं, ये 7 रुपए का पतंग है। 7 रुपए का एक पतंग है, पोनिया रॉकेट, कोनिया की पोनिया, पोनिया रॉकेट, पोनिया रॉकेट।
तो 7 रुपए का एक पतंग है, ये भी 500 लेना पड़ेगा आपको, ठीक है 500 पीस लेना पड़ेगा। मंगवाना हो तो मंगवा सकते हो आपको, अगर ये सीजन में बिजनेस करना हो तो। फिर उसके पीछे ये कौन सा पतंग है? ये आजम रॉकेट है, आखिया रॉकेट। इसका क्या प्राइस है? इसका भी वही 14 रुपए का रेट है। 14 रुपए का एक मिनट, वो खाली 7 रुपए का है। तो ये 14 रुपए का क्यों है? वो 14 रुपए का भी बड़ा है कि ये डिजाइन वाला भी है और साइज इसका बड़ा है। ओके, साइज देख सकते हो गाइस, साइज भी बड़ा है और डिजाइन भी है, ये बिना डिजाइन के आपको मिल रहा है। ओके, अभी दूसरा कोई दिखाओ आजम भाई। तो यहाँ पे पतंग ऑलरेडी देखो यार बनी रही है पतंग। ये कौन सा है? ये पोनिया चील है। पोनिया चील देखो गाइस, पोनिया रॉकेट था, ये पोनिया चील है। पोनिया रॉकेट था वो, ये पोनिया रॉकेट है और ये पोनिया चील है। इसका क्या प्राइस है? ये दोनों भाई बहन है, सेम है, सेम 7 रुपया। 7 रुपया का चार वाला बताया था, 4 रुपए वाला का है। 4 रुपए वाला देख लेते हम लोग, 4 रुपए वाला। अच्छा, मिनिमम कितने रुपए से स्टार्ट है? अपने आप बनता कितने रुपए से? 1 रुपए से स्टार्ट है। 4 रुपए से? और पन्नी की बनाते कि सिर्फ कागज की? सिर्फ कागज की, ओनली कागज की। ओके, तो कागज की बनती है, पन्नी की भी कभी हम लोग वीडियो आपको बना के दिखा देंगे। तो ये जो अभी ये बन रहा है ये कितने का है? ये वाला? हाँ, ये वाला वो सेम ही है। और वो वाला? वो भी 6 रुपए का आएगा। 6 रुपए का? ओके, यहाँ पे देखो 6 रुपए का भी लगातार बन ही रहा है। और उधर जो रखा था वो 5.5 रुपए का आएगा। वो 5.5 रुपए का है। देखो गाइस, ये जो बड़े पतंग है ये आपको 250 पतंग ना, 250 पतंग लेने रहेंगे। और ये जो पतंग है छोटे, ये आपको 500 पतंग लेने रहेंगे। तो आप अपने हिसाब से पतंग मंगवा सकते हो, ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी आपको मिल जाएगी, डिलीवरी चार्ज आपका रहेगा। और अगर डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम होती है तो शिबू भाई? तो कस्टमर को हम डिलीवरी देंगे, पर डिलीवरी की जवाबदारी कस्टमर की रहेगी, क्योंकि उसका पैकिंग जिस तरह से हम सेफली करेंगे। हाँ। अगर ट्रांसपोर्ट में जाता है हाँ। तो वो पूरी जवाबदारी कस्टमर उसकी ही लेगा। ओके, तो ये कस्टमर की जवाबदारी रहेगी अगर फटे तो, लेकिन फिर भी ये अच्छे से पैकिंग करके देंगे, बेस्ट डिलीवरी होगी, कहीं से उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, और पेमेंट कैसे रहेगा? गूगल पे फोन पे पेटीएम, जिस तरह से उनको पे करना है उस तरह से कर सकते हैं। ओके, पेमेंट पहले रहेगा, डिलीवरी बाद में रहेगी। जो भी रहेगा आप इनसे व्हाट्सएप पे बात कर लेना, एनी टाइम आपको रिप्लाई दे देंगे, रात को मत हैरान करना। और यहाँ पे देख लो इस तरीके से अभी यहाँ पे सारी पतंग बन रही है और काफी जबरदस्त काम चालू है। आजम भाई और कुछ बताना चाहेंगे कि कुछ बाकी रह गया हो तो हमारा? अभी एक दिन अभी में जो छोटी पतंग है वो अभी बन नहीं रही है। हाँ। अगर वो छोटी पतंग होती तो हम आपको वो भी दिखा देते, 4 वाली, 4 रुपए वाली। वो 4 वाली अभी है नहीं। अच्छा, नेक्स्ट टाइम। ओके, तो गाइस अभी फिलहाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पतंग किस तरीके से बनती है, तो एक बार ये देखना आपको काफी मजा आएगा। गाइस ये चीज देख रहे हो ना, भैया यहाँ पे अभी कटिंग कर रहे हैं, तो इनका काम है पूरी पतंग का जो भी शेप होता है, जो भी ऊपर नीचे लगता है, वो पूरा कटिंग करने का काम है। जैसे कि मैं बता दूं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये पूरा डिजाइन है, और ये अभी भैया ये काट रहे हैं जो पीछे लगता है, भैया अभी ये काट रहे हैं, तो इनके पास पूरा मेजरमेंट है, इसके हिसाब से ये कटिंग कर रहे हैं, और उसके हिसाब से मतलब ये हर तरीके की कटिंग करते हैं। और ये जब कटिंग हो जाता है तो कुछ इस तरीके से दिखता है नॉर्मल पेपर, और उसके बाद ये डोरी दिख रही है आपको, तो ये डोरी ऐसी लग जाती है इसके अंदर, जिससे क्या होता है ना कि पतंग हवा में उड़ रहा है ना, तो एक मोमेंटम बने रहता है कि हवा में उड़े। उसके बाद यहाँ पे टड्डा और कमान लगता है, जैसे कि मैं बता दूँ आपको, तो यहाँ पे देखो ये अंकल लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। डोरी लगाने के बाद यहाँ पे डोरी लग गया, लेकिन अभी अंकल यहाँ पे डोरी ही, ओके यहाँ पे अंकल डोरी ही लगा रहे। देखो इस तरीके से डोरी लग जाती है, जिससे पतंग जल्दी फटता भी नहीं है और हवा के अंदर बने रहता है, तो इस तरीके से डोरी लगती है इसके अंदर, ठीक है। डोरी ये चाहे पहले लगा दो चाहे बाद में लगा दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे भैया ये जो टड्डा लगा रहे हैं यहाँ पे, ये भैया ने अभी मैंने आपको वीडियो में दिखाया कि ये जो कमान होती है ये लगा रहे थे और ये बीच में लगा रहे थे, ठीक है। ये जो लकड़ी होती है ये चीज़, तो ये यहाँ पे लगता है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे जो नीचे कटिंग हो रहा था, तो वो कटिंग के लिए यहाँ पे भैया देखो यहाँ पे कटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो कटिंग वाली चीज़ होती है उसको यहाँ पे इस तरीके से गोंद से छोटा देते हैं और ये हो जाती है हमारी पतंग रेडी, ठीक है। तो थोड़ी बहुत डिज़ाइन वगैरह अगर चाहिए रहती है तो पतंग का प्राइस बढ़ जाता है, और नॉर्मल रहती है तो उसके अंदर मेहनत नहीं होती, पूरा पैसा मेहनत का है। जितना ज़्यादा एक पतंग के पीछे मेहनत लगेगी उतना ज़्यादा उसका पैसा होगा। फिलहाल गाइस पहले से ज़्यादा थोड़ी सी प्राइस हाई हुई है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है लॉकडाउन भी लगा था और बहुत सारी प्रॉब्लम भी आई थी, तो प्राइस तो सीधी सी बात है बढ़ना ही है मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सी वीडियो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए बना दूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगे, मज़ा आ जाए। और आप लोगों को यहाँ पतंग की वीडियो अभी आने वाली है, पतंग उड़ाएंगे भी और मार्केट के अंदर भी जाएंगे पतंग की मार्केट। फिलहाल यहाँ पे डेली 2-3 हज़ार पतंग बन तो रही है, लेकिन जब सीज़न चालू हो जाएगा तो कितनी पतंग बनना चालू हो जाएगी? सीज़न 4।
3 से 4 हजार डेली, 3 से 4 हजार बनना पतंग चालू हो जाएगी। और अगर आप लोग कहोगे कि भैया हमको 10 हजार पतंग का ऑर्डर देना है, 20 हजार पतंग का ऑर्डर देना है, तो भी हमारे आजम भाई आपको पूरा करके दे देंगे। वो टाइम बता देंगे कि कितने टाइम में मिल जाएगी, थोड़ा टाइम लगता है और डिलीवरी में भी थोड़ा टाइम लगता है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। तो ये वीडियो को शेयर करो जिसको भी पतंग का बिजनेस करना हो, और या तो अभी से ही आप लोग पतंग अपने घर पे मंगा के रख लो, जब सीजन चालू होगा तब उसको डबल भाव में बेच सकते हो। अभी भाव कम चल रहा है, लेकिन जब सीजन चालू हो जाता है तो भाव डबल हो जाता है, ठीक है। तो हमारे शिबू भाई है जो आपको कॉन्टेक्ट इनसे ही होगा, और कॉन्टेक्ट करने के लिए मैं आपको टाइमिंग बता दूँ, तो सुबह 10 बजे से सुबह 10 बजे से रात के 8-9 बजे तक है, तभी आप लोग को रिप्लाई मिलेगा, उससे पहले आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आजम भाई बहुत बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए, और शिबू भाई थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। एक्चुअली शिबू मेरा बचपन का दोस्त है, और मैंने इसको रेडी करा कि भाई यार तू डिलीवरी करने का थोड़ा जो चांसेस है वो ले ले, क्योंकि हमारे जो पब्लिक वीडियो तो बन जाती है लेकिन डिलीवरी ज़्यादातर होलसेलर नहीं दे पाते क्योंकि वो बिजी रहते हैं। तो हमारा शिबू ये काम कर देगा हमारे लिए, ठीक है, ताकि आपको डिलीवरी सेफली मिल जाए। तो शिबू अपना ही बंदा है, पैसा आपका कहीं नहीं जाने वाला है, और आपको कुछ भी तकलीफ हो रही है तो मुझे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे बोल सकते हो कि भाई ये पैसा या अटक गया है या डिलीवरी में ये प्रॉब्लम आई है, तो इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो, आईडी इधर मेंशन करके रखूँगा, और आई बटन पे पतंग की बहुत सारी वीडियो है वो भी जाके देख लेना, ठीक है। तो गाइस अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और 1000 से ज़्यादा लाइक चाहिए तो और भी इस तरीके की पतंग की वीडियो आते रहेगी। और मुंबई जा रहा हूँ, मुंबई का ब्लॉग देखना बिल्कुल मत भूलना, वहाँ पे पहली बार जा रहा हूँ और ज़्यादा टाइम रुकूंगा, ठीक है। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो।